और अब कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर, प्रदेश में दोपहर 2 बजे तक 54 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, लगातार ये ग्राफ बढ़ता हुआ। जोधपुर में 30, जयपुर में 17 और अजमेर में 3, अलवर में 2, चित्तौड़गढ़ में और साथ ही कोटा में 1-1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 बजे तक की रिपोर्ट में 54 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और 2720 संख्या हो चुकी है बढ़कर, और साथ ही आज 3 कोरोना पॉजिटिव की भी मौत हुई। जयपुर में 2 और जोधपुर में 1 पॉजिटिव की मौत हुई। लगातार देखिए ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 बजे तक की रिपोर्ट में 54 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए जिस प्रकार से यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, चुनौतियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2 बजे तक की रिपोर्ट में 54 पॉजिटिव आज सामने आए। बिल्कुल, 2 बजे तक जो आज प्रदेश में 54 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और जी को आंकड़ा बढ़कर 2720 हो चुका है, जो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बात करें तो जोधपुर में आज 30 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और वहां पर जोधपुर में अब 575 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में आज 17 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और जयपुर में भी आंकड़ा बढ़कर 945 हो चुका है। ऐसे में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। अजमेर की बात करें तो अजमेर में आज 3 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और अजमेर में 164 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। बात करें अजमेर की तो अजमेर में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत की सूचना भी सामने आ रही है। हालांकि जो 2 बजे की रिपोर्ट आई उसमें आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं की, लेकिन वहां के जो CMHO उसने अजमेर में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत की पुष्टि कर दी गई है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा अलवर में भी 2 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं आज और अलवर में 11 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में भी आज 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और वहां पे भी 27 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। बात करें कोटा भी जो प्रदेश में 3rd स्थान पर है और वहाँ पे 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया है और वहाँ पे भी 205 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उसी में एक राहत की खबर यह है कि जो कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक 1121 कोरोना पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है। साथ ही साथ 714 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। बात करें तो जी अभी भी एक्टिव केस की बात करें तो 1534 अभी भी एक्टिव केस प्रदेश में है, जो अस्पताल में क्वारंटाइन किए गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज और जिला इस तरह के जो अस्पताल हैं उनमें उनको आइसोलेट किया गया है ताकि वहां पे इलाज उनका जारी है। बात करें तो कोरोना की जांचों को लेकर अब तक 1,13,000 से अधिक लोगों की जो सैंपल है वो लिए जा चुके हैं, जो प्रदेश में अब जो राजस्थान उन राज्यों में है जो जिनमें सबसे अधिक कोरोना के जो टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जांच कैपेसिटी भी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश में प्रतिदिन जाँच कैपेसिटी भी 10,000 हो चुकी है, जो अब तक की सबसे अधिक जाँच कैपेसिटी है और जिसकी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि अधिक से अधिक जाँच हो और उसमें सबसे अधिक यानी कि प्रतिदिन 10,000 जाँच सैंपल कैपेसिटी है वो प्रदेश की हो चुकी है, जो एक अच्छी खबर है राजस्थान के लिए। क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान अधिक से अधिक जब जांच होगी तो उसमें कोरोना के जो पॉजिटिव केस है वो सामने आएंगे और उसके आधार पर इनकी इलाज जारी किया जाएगा और संक्रमित क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां पर। जी जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। 2 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक 2720 आंकड़ा पहुंच चुका है।